कैसा फील कर रही हैं आप? इतनी फिक्र हो रही थी मुझे आपकी। असर कमजोरी महसूस हो रही है। तौबा, मेरी तो आंखें नहीं खुल रही थी। बहुत परेशान हो रही हूँ आपके लिए, और कितनी बेबस होना, आपको डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकती। क्यों परेशान हो रही बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जरा वीकनेस है, ठीक हो जाएगी। हाँ ठीक है, आप खुद को देखें, ये सब उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं। कितनी कमजोर हो गई हैं आप। तो नहीं ले रही ना दवाई, तो मैं क्यों अपसेट हूँ? सब ठीक है बेटा। माँ, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कहाँ जाऊंगी मैं? बेगम, बेगम, मेरी मासूम फूलों जैसी नाजुक सी बच्ची पे क्यों जुल्म करती हो तुम? ओहो, तो मैंने कौन सा खेड़ा की कान से आए हुए नमक को पीसने पे लगा दिया कि बेटी को मामूली सी चाय बनाने के लिए कहा था? माजरत चाहती हूँ। सुना आपने? सुना, ये आगे भी आपकी बेगम ऐसे ही जुल्म करने वाली है मुझ पर। और नहीं तो क्या? दानियाल, खुदा के वास्ते मत करें जबरदस्ती, इस शादी का अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे अंजाम बुरा हो सकता था, बुरा हो सकता था, अगर रानिया हमजा के साथ भागने में कामयाब हो जाती। भाई और भाभी ने इसकी जिंदगी अजाब बना देनी थी। मैंने आपसे कहा था ना, कभी नहीं मानेगी। खताबार मैं जज्बात में आकर भाई और भाभी के गुस्से में अपनी बेटी की जिंदगी तबाह कर, ये तो इस निकाह के लिए राजी भी नहीं। काश काश तुम्हारे बाबा इतनी जल्दी हमें छोड़कर ना जाते। इन लोगों की जरूरत नहीं थी कि हमें टेढ़ी आंख से भी देखते। हाँ, प्रॉमिस करें मुझसे, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। मेरी जान, जब तक जिंदगी है ना, मैं और तुम साथ ही हैं। अल्लाह आपको लंबी सेहत वाली जिंदगी दे। पता नहीं मामा, आजकल अजीब अजीब से वहम सता रहे हैं मुझे। करो वह जैसा लगता है जैसे हमारी असीरी खत्म होने वाली है, कोई ना कोई मोजा जरूर होगा। पता नहीं कब होगा ये मोजा। होगा, जरूर होगा, मुझे अपने रब पे कामिल यकीन है। तुम भी अल्लाह पे भरोसा रखो बेटा।
मेरे मुलाजमों से भी बदतर हो, समझी? खुदा का कहर पड़ेगा तुम पर। अजाब नाज़िल होगा। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी रात भर सो नहीं सकी। कौन चलती है तेरी? बर्बाद, हाँ? जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता ना, वैसे ही तुम्हें ये छूट और आजादी हजम नहीं हो रही। इसी आजादी क्या दी, तुम तो मुंह को आने लगी। क्या समझती है खुद को? मर गया तुम्हारे लिए और तुम उसके लिए। मैं तुम्हारी जुबान से उसका जिक्र ना सुनूं सना, समझी? सब कुछ तुम्हारे लिए किया था और खुद बर्बाद होकर आ गई। कुछ नहीं किया आप लोगों ने मेरे लिए, आप लोग ने जो किया वो अपने लिए किया था। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि हमजा और मेरे दुश्मन आप लोग हैं। हमें अलग करने में भी आप ही का हाथ है। अगर मुझे तंग किया ना तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, भाग जाऊंगी। क्यों भाग जाओगी? एक दफा भाग के चैन नहीं मिला तो दोबारा भागना चाहती हो? याद रखना, याद रखना, अगर इस दफा भागी ना तो दानिश नहीं, मैं तुझे जान से मारूंगी। नहीं, मार मुझे नहीं, किसी की परवाह, किसी की परवाह नहीं है मुझे, और ना ही करूंगी इस बार। अगर आप लोग तंग है ना मुझसे तो आप ही बता दे, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। और अगर ज्यादा तंग किया ना किसी ने तो आग लगा के जान दे दूंगी अपने। दे जान लगा ले खुद को। तुम जैसी औलाद से बेहतर है मैं बेऔलाद हो जाऊं। लेकिन इस कमरे से बाहर निकलने का नहीं सोच रहा, समझी? ये लो पकड़ो, दानिश का फोन है, बात कर लो। ए, पकड़ो भी। हेलो जानेमन, क्या हाल है? क्यों कॉल किया? अरे तुमसे मोहब्बत ही इतनी है, हमारी खैरियत पूछने के लिए कॉल की। ये बताने के लिए कि मैनेजर को ला रहा हूँ मैं आज। तुम्हें वो सब याद है ना जो मैंने तुम्हें समझाया था? हाँ सब याद है। गुड, तलाक के कागजात भी आज तुम्हें मिल जाएंगे। हो गई बात? ये माँ कहाँ है तुम्हारी? वॉशरूम में। उसको भी अच्छी तरह से ये बात समझा देना रहा, सारे काम एक दफा सुकून से हो जाएं तो तुम लोग भी सुकून से रहो और हम लोग भी सुकून से रहें, फिर तुम अपना रास्ता ना, समझ गई?
अलमाज बेगम, अलमाज बेगम है। मेकअप तो इतना हसीन करती है कि दुनिया दुल्हन को देखती रह जाए। पॉलर के साथ साथ वो रिश्ता भी करवाती है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी और पूरी जान लगा दी इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। रूबी को कहना कि कल आ जाए। इनके अम्मी का स्वयं है ना, मेरे साथ जबान चलाओगी? कहाँ देखो अपनी तुम, देखो अपनी तुम। हाजिर दिमाग होना होता है पार्लर चलाने के लिए। हर किस्म की चीज चल रही होती है पार्लर में। मुझे क्या पता था अलमास की वो मर जाएगी। शादी करवाने तक मेरी जिम्मेदारी थी, आगे इस घर में क्या होता रहा है मुझे कुछ नहीं पता। जब तक पैसा होता ना इंसान के पास ना, तो बाकी दुनिया भी ना झूठ झूठ के सलाम करती है। मुझसे मिलिए। आई एम दानिश रशीद, इस बिजनेस एम्पायर का मालिक। रानिया जी, आपकी मेहरबानी से आज हम भी उन लोगों में शामिल हो गए कल तक जिनके जूतों की गिरत तक ना पहुंच सकते थे। इसे कहते हैं किस्मत। आपकी मोहब्बत तो ना मिली, अगर दौलत मिल गई। We'll be right back.
जिसके साथ रिश्ता जुड़ा, उसके साथ गुजारा हुआ वक्त मेरी जिंदगी का हसीन तरीन मोड़ था। लेकिन वो तस्वीर का एक रुख था, इस तस्वीर का दूसरा रुख भी था। तस्वीर धोखा झूठ फरेब साजिश। अगर मेरी बारात खाली हाथ न भेजी होती, मेरे घर में ऐश कर रही होती तुम। एक जलील इंसान के साथ ऐश भरी जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि इंसान तपती धूप में गर्म रेत पर भटकता फिरे। पायल, अपने कदम वहीं रोक दीजिए, बल्कि अपने इन्हीं बढ़ते हुए कदमों से वापस चले जाइए। अब फायज किसी पे तो क्या, अपने आप पे भी भरोसा नहीं करता। मैं सो रहा था, मर तो नहीं गया था, तुमने मुझे बताने की सहमत भी गवारा नहीं की। बताने का कोई फायदा होता तो बताती ना, मुझे पता था जैसे ही बताऊंगी राशन पानी लेकर मेरी ऐसी की तैसी करोगे। तो क्या नहीं करनी चाहिए थी ऐसी की तैसी? तुम मुझे तो बताओ बेटे, हुआ क्या, हुआ क्या है? अपनी बेटी से पूछिए ना। इनफैक्ट आप ही ने ट्रेनिंग की है ना उसकी। क्या मतलब? यही ना कि अपने मतलब के लिए इंसान को किसी भी हाथ से गुजर जाना चाहिए, यही सिखाया ना आपने इसे। तो मेरी मां से बदतमीजी नहीं कर सकते हो तुम। बदतमीजी नहीं कर रहा मैं, आईना दिखा रहा हूं उन्हें। ये तरबियत की है तुमने अपनी औलाद की? एक भी अच्छा नहीं निकला दोनों में से। हाँ भाई, मैं बुरी, मेरे बच्चे बुरे, सब बुरे, और तुम और पूरी दुनिया जो हम पे कीड़े निकाले वो सब अच्छे। आए भाई शाही ना करो, क्या होगा अफसर ने कहा? अल्लाह करे, अल्लाह करे हमजा पे भी ऐसा ही जुल्म टूटे, ऐसे ही तड़पे वो, ऐसे ही तड़पे जैसे मेरी बच्ची को तड़पाया उसने। ये बद्दुआ मांगते हुए अपना जुल्म भी याद रखना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी मुश्किलात का शिकार हो जाओ। डाते हैं तो बाप की भी बर्बाद। रोएंगी तो अब आप भी। क्या कहा तुमने? क्या क्या मतलब था तुम्हारा? अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। आप लोगों का हिसाब शुरू हो चुका है, डरे अल्लाह से। सना की तलाक तो एक छोटा सा ट्रेलर था। एक यतीम बच्ची यहाँ भी जहरीले रवैयों का शिकार है। कोई हाल नहीं तुम्हारा, कोई हाल नहीं तुम्हारा रशीद साहब। बीवी रो रो के निढाल है, बेटी का घर उजड़ गया। बजाय इसके हमें सहारा दो, लेकिन तुम तो हम ही को बातें सुना रहे हो। ये हो तुम, समझे? देखो जाकर मैं उसको डरा दिए बैठी है बीच में बेगैरत। तुम
बाप ने तुझे घर से निकाल कर फेंक दिया, हमारे सर पे मंड दिया, शौहर तुझे मुंह नहीं लगाता, दुनिया तुझ पे तू तू कर रही है, चिल्ला क्यों रही है, चिल्ला मत, बड़ी आवाज निकल रही है, ये क्या कर रही हो, छोड़ो इसे, क्या कर रही हो ये, तुम्हें कुछ पता भी है कि क्या हो रहा है, मैं इसको छोड़ूंगी, इसको जाओ से छोड़ दो, खुदा का खौफ करो, क्यों उस मासूम पर जुल्म कर रही हो, ऐसा ना हो कि इसका कहर हम पर नाजिल हो जाए, ये मासूम जान छोड़ दे, अरे कितना चिल्लाते हो तुम, आज तक मेरी हामी ने कभी इतना नहीं बोला जो इसके लिए बोल रहे हो, हाँ पता भी है घर के मामले में क्या होता है, हर मामले में कूदना है तुम्हें, क्या बात हुई है कुछ पता है, क्यों इस बेहया के पीछे अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, दफा कर इसको, क्या हो रहा है ये, क्या पागलपन है, अरे आप इससे क्यों नहीं पूछते, बेगरत ये नहीं बेगरत तू है, बीवी है तेरी, बेगरती की बात बोलते तुझे शर्म नहीं आई, बीवी नहीं है ये, क्या कुछ पता है नहीं, हर मामले में कूद पड़ते हो, और जहां तक बात रही दानिश, तेरा दिमाग खराब हो गया, तू इसको कत्ल कर देगा, जेल में सड़ेगा, और ये कि जन्नत में मौजे मारेगी, दिमाग पिलपिला कर दिया से तेरा, ये साजदा मीसनी की और दानियाल की साजिश है, उन्होंने अपनी ऐबों वाली लड़की हमारे सर पे दे मारी कि हम सारी जिंदगी उसके ऐबों पे पर्दे डालते रहे, उन्होंने नहीं मार दी तुम्हारे सर पे, तुम्हारे लड़के ने खुद अपना रिश्ता तुम लोगों से भिजवाया था, और एक बात बताओ क्या सबूत है तुम्हारे पास जो इल्जाम तुम इस बच्ची पे लगा रही हो, हाँ तुम्हें तो सारे शैतीर हमारी आंखों में ही दिखाई देते, फजूल ही बोलती रहती हो, और तुम दानिश तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए थी, हद कर दी तुमने, अरे तुम्हारी माँ तो है ही ऐसी, तुम्हें ही उसका ख्याल करना चाहिए था, क्यों भाई क्या किया है मैंने, है कौन से कीड़े पड़ गए मुझ में, अब सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारने के बाद तुम्हें मुझ में ऐब दिखाई देने लगे, कीड़े की तरह रिंग रिंग के तरस तरस के घर में जिंदगी गुजारी है मैंने, दिया ही क्या है तुमने मुझे सिवाय दुखों के, अब बातें सुना रहे हो, सारी कमियां नजर आ रही है, मामा अगर मैं मैनेजर के सामने शोर मचा दूं और वकील को सब बता दूं तो, नहीं नहीं ऐसा कुछ मत करना, वो जल्लाद दानिश हमें जिंदा जमीन में गाड़ देगा, तो अभी भी तो जिंदान में है किसी कैदी की तरह, क्या कह रही थी तुम तो? मामा कहीं नहीं जाएंगे मम्मा तो जाएंगी, मेरे पास आओ ना बेटे, मेरे पास रहा करो, दूर मत जाया करो, समझती नहीं है बच्ची बात को, देखो बेटा मम्मा तो जाएंगी और चुपचाप जाकर दस्तखत कर कर आएंगी, और तब तक तुम गारंटी के तौर पर मेरे पास रहोगी, कैसे साए, हाँ कुछ भी नहीं बस सिर्फ चाहे धात के पेपर्स पे साइन, मेरी प्यारी बहन मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देती, सच्ची क्या करूं, ऐसी सख्ती कर दी है कि बुलाकर मुझे लेके जाना ही पड़ेगा तुमको साइन करवाने, लेकिन वहां पर तुम्हें मुंह बंद रखना है, तक तुम्हारी प्यारी सी बेटी मेरी बहू मेहमान बन के रहेगी मेरे पास, है ना, मां कुछ तो करना पड़ेगा ना, ये देख लो रानी, खुदा का वास्ते ऐसी बेवकूफी मत करना, हमें जैसा कहा गया ना बस वैसे ही करना, मैं बता रही हूं मामा आपको इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है, अगर उनकी बात मान भी लेना कभी हमें कुछ नहीं मिलेगा, आप क्या कर रहे हैं, हमें मैनेजर को और वकील को फोन करके घर बुलाना,
और बाकी पेपर्स पर भी साइन कर दें। That's it. हम अब किसी भी पेपर पर कोई साइन नहीं करेंगे, समझे तुम? वो कॉफी कर रही हो? मुफ्त में आजादी मिल रही है। आना पड़ता है। कम से कम वकील को सब बता दिया तो वो पुलिस को ला सकता है, हमारी हेल्प हो सकती है। नहीं 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 नहीं, ये सेफ नहीं होगा। से मम्मा कैसे सेफ नहीं है? वो बेचारे तो निहत्ते ही आएंगे ना, उन्हें क्या पता कि यहाँ क्या हालात है। तुम्हें याद नहीं, दानिश नायला की जान के दर पे हो रहा था। दानिश, खुदा के वास्ते नायला बेबी को कुछ मत करना। ये तो आप पर डिपेंड करता है ना, आप दोनों पर है ना। वो जितनी देर यहाँ पर रहेंगी हा? उनके मरने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। नहीं, नहीं, नहीं। मेरी अम्मा वैसे ही जा रही थी उनको चाय सर्व करने के लिए। आप बता दें क्या करना है। हाँ, फिर वही होगा। नहीं, नहीं। बाहर जाके ज्यादा होशियारी की ना तो ये चाकू से तुम्हें और तुम्हारी माँ को। नहीं, मेरी रानी अंको ने कुछ को अगर हमसे कुछ बता देते तो वो नायला को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता था। शुक्र है रानिया, तुम्हारी शक्ल तो देखने के लिए मिली। ना अरसा हो गया, कोई बात ही नहीं हुई। मुझे साजदा से कोई जरूरत नहीं है। और क्यों आई आप यहाँ? कोई जरूरत नहीं हमें आपकी कोई हमदर्दी की, किसी भी चीज की। चली जाए यहाँ से। रानिया, मैंने कई बार कॉल किया है, तुम दोनों के नंबर बंद आ रहे थे। क्या तुम लोगों ने अपने नंबर्स चेंज कर लिए हैं? मैंने खानदान में भी सबसे बात कर ली, मैंने रुबीना से भी कहा कि कोई रابطہ है तुम्हारा उन लोगों के साथ तो खुदा के लिए मेरी बात तो करा दो। जब मेरा बाप मरा था तब कहाँ थी आप? कहाँ था वो हमजा ताया? वो कहाँ थे? किसी को सुनाई दे रहा था? चीखता रहा होगा मेरा बाप, किसी ने नहीं सुना। उसे उसके हाल पर छोड़ दिया आप लोगों ने। हमें सोच समझ के कोई कदम उठाना होगा। ये सब पागल है, किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। हमें सोच समझ के कोई कदम उठाना। घटिया इंसान,
हाथ छोड़ो। क्या कहा तुमने मेरी माँ से? यही कहा है कि अल्लाह की कहर से डरे। मेरी कहर से कौन बचाएगा तुमको? हाँ तुम्हारे कहार है तुम जैसों के लिए। हटो यहाँ से। इसी ज़बान से लगी अभी बता तो मत। क्या करोगे तुम? हाथ क्या करोगे तुम? निकल यहाँ से, निकल जाओ तुम लोग सारे के सारे यहाँ से। हाथ मत लगाना मुझे अब। नहीं क्या सब? बता तो मत तुम्हें। हाँ ज़बान चल रही है। और जान से मार दूंगा मैं इसको। दानिश और मार इसे, और मार, सूख के रख। ऐसी गुम चोट मारना इसको, इसे लगे पता। तुम जैसी बीवी होती है शोर को गुस्सा दिलाती है पहले, फिर पटती है, और फिर मजलूमियत का ड्रामा रचाती है। तुम जैसे मर्दों को किससे कहा कि हम जैसी बीवियां बर्दाश्त करो? आजाद कर दो, छोड़ दो मेरी जान। काश तुम गूंगी होती। कपल होता हूँ।